विनोद चौधरी आपके लिए अगेन वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें अपन विविध प्रश्नावली मिसलेनियस 9 के क्वेश्चन करेंगे। तो जिसमें जो मोस्ट क्वेश्चन है जो 3 या 6 नंबर में आ सकते हैं वो क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें मैंने 7, 8, 9 और 10 वो पीछे जब एग्जाम्पल्स करवाए थे तब आपको वो क्वेश्चन मैंने उस टाइम ही करवा दिए थे। अब मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15 जो नया टाइप का है, द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड and midpoint of line segment are 40 and 41 respectively, then find the other end of line segment। आपको इसमें क्वेश्चन में कराया कि अगर किसी जो रेखाखंड है उसके एक सिरे के निर्देशांक और मध्य बिंदु के निर्देशांक 40 और 41 है तो उसके दूसरे सिरे के निर्देशांक याद करो। तो यहाँ पे जब ये मिड पॉइंट नाम आ रहा है तब आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे, मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, जब P का कोऑर्डिनेट x और y होता है और A और B के कोऑर्डिनेट x1, y1 और x2, y2 होते हैं, तब x का फॉर्मूला x1 + x2/2 और y वाला वो y1 + y2/2 ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें अपने लाइन बना करके, लाइन सेगमेंट है इसमें A और B एंड के कोऑर्डिनेट, तो A के जो कोऑर्डिनेट है वो तो आपको दे रखे हैं 40 एंड मिड पॉइंट का दे रखा है 41। तो ये मिड पॉइंट जैसे P है इसका तो ये हो गया 41 और B के आपको कोऑर्डिनेट है फाइंड आउट करने हैं। तो B के कोऑर्डिनेट अपन XY न मान करके A और B एज्यूम कर लेते हैं ताकि आप x1, y1, x2, y2 इन दोनों को मानते हो और XY ये P कोऑर्डिनेट को आपका फॉर्मूले में मानते हो, तो जिससे आपके x1, x में कन्फ्यूजन नहीं हो। और ये P मध्य बिंदु है तो ये 1:1 में बांटेगा। आप इसे डायरेक्ट उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, अदरवाइज आप मिड पॉइंट फॉर्मूला मध्य बिंदु सूत्र भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो आपको यहाँ P के कोऑर्डिनेट तो दे रखे हैं और इस B के फाइंड आउट करना है। ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया था पहले जिसमें मध्य बिंदु नहीं था, यहाँ पे अनुपात दिया हुआ था 2:3, तो आपको A के भी दिया हुआ था, P का भी दिया था और B का आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना था। एक ऐसा एग्जाम्पल भी है और एक एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चन है, तो उसी जैसा है, बस यहाँ मध्य बिंदु दे दिया है। तो मध्य बिंदु के अंदर ये जो 4 और 1 ये दोनों किसके मान है, x और y के मान है, और आपको A और B जो x2 और y2 है इसके मान ज्ञात करने हैं। तो आप यहाँ पे ये लिख दोगे मध्य बिंदु फॉर्मूले से, तो मध्य बिंदु फॉर्मूले से x कोऑर्डिनेट ऑफ P x कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट P, P के मध्य बिंदु का जो निर्देशांक है तो वो कौन से संग है अपन, x निर्देशांक। इसका जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मान की तरह है, आप फॉर्मूला ये यहाँ पे लिख दीजिए, मैं डायरेक्ट वैल्यू वाला कर रहा हूँ। तो 4 उसका मध्य बिंदु x दिया। अब x + x2 दोनों आप पे मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो दोनों पहले x1 और x2 करोगे तो 4 + a/b कितना होता है फॉर्मूले में 2, ये x1 + x2/2। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 + a का 1 से करेंगे तो 4 + a, 4 का 2 से करेंगे तो ये हो गया 8। अब a का वैल्यू निकालना है तो 8, ये 4 है वो राइट साइड में जाएगा तो -4 = 4। तो आपके पास a की वैल्यू आ गई 4। इसी तरह से अपन y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट P मध्य बिंदु P का y निर्देशांक, तो उसके लिए आप किसके इक्वल रखोगे, इसे 1 के इक्वल रखोगे क्योंकि y निर्देशांक इसका 1 है। अब की बार y1 + y2 ये y1 ये y2, तो y1 + y2/2। तो ये तो 0 + b करेंगे तो b/2 हो गया। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b का जो मल्टीप्लाई है वो हो जाएगा 1 से, तो b हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 2 से हो गया 2। तो ये इसका आंसर आ गया B का 2। तो आपको A और B का वैल्यू चाहिए था, वो अदर एंड था इस सेगमेंट का, तो सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B, तो B कोऑर्डिनेट क्या है, A का मान तो है 4, B का मान कितना है 2, तो ये हो गया उसके दूसरे सिरे का निर्देशांक 4,2। आप इसको जब भी निर्देशांक लिखो ऐसे बराबर में कभी नहीं लिखाना है, निर्देशांक को हमेशा ही जिस भी पॉइंट का आप निकालो उस पॉइंट को उस ब्रैकेट के पास लगा करके आपको इसके निर्देशांक लिखने हैं। तो ये B बिंदु के निर्देशांक हो गए। क्वेश्चन बदल क्या है, तो A और B का देकर के आपको मध्य बिंदु का पूछ सकता है, ऐसा एक्सरसाइज में है क्वेश्चन। तो उसी क्वेश्चन को उसने अलग टाइप का दे दिया है। तो मध्य बिंदु और एक सिरे का दे रखा है, दूसरे सिरे का फाइंड आउट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 80 लेनिस का 8 क्वेश्चन। तो ये पहले 9th के अंदर ये थ्योरम भी होती थी एक्सरसाइज के अंदर। तो इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस राइट एंगल ट्रायंगल ए ऑफ बी इज सिचुएटेड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्सेस ओ एंड बी ऑफ एंगल। कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का मध्य बिंदु होता है वो तीनों से बराबरी पर होता है, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसको अपने इक्विलेटरल ज्योमेट्री से करते हैं। तो जैसे एक फर्स्ट एग्जांपल किया था जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल के आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे, तो इसी तरह से यहाँ अपन एओबी ट्रायंगल दे रखा है, तो इसको ग्राफ पेपर के अंदर अपने कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ग्राफ पेपर के अंदर ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी जिससे ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का बनता है। तो इस ट्रायंगल एओबी ट्रायंगल के अंदर ओ तो ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक 0,0 है। अब आप इस डिस्टेंस को, क्योंकि इसका जो बेस और जो परपेंडिकुलर है आधार और लंब, इसकी वैल्यू भी अपने को फाइंड आउट होनी चाहिए। तो आप इन दोनों वैल्यू को एज्यूम कर लोगे, आप ए और बी एज्यूम कर सकते हो, स्मॉल ए और बी, क्योंकि एक्स वाई तो यहाँ फॉर्मूले में आ रहा है। तो स्मॉल ए और बी एज्यूम करोगे तो ए से फिर अपने को a/2 ऐसे वैल्यू आएगी अपने पास, फिर उनका स्क्वायर करोगे, उनका रूट करोगे, तब आप इसको क्या एज्यूम करो कि इसको आप 2a एज्यूम कर लो। बी ओ से जो ए तक की डिस्टेंस है वो 2a है, ओ से बी तक की डिस्टेंस है वो 2b है, जिससे अपने मिड पॉइंट निकालेंगे तो मिड पॉइंट में अपने पास 2 नहीं आएगा कोण के अंदर। तो इस ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो ए है वो एक्स एक्सिस का पॉइंट है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हो गया 2, वाई हो गया 0। यस बी के कोऑर्डिनेट ये वाई एक्सिस पे है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया और इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया 2b। तो ये कोऑर्डिनेट अपने इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मान लिए, बी ए 0 2b हो गया, ये 2a और 0 हो गया। अब अपने को इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो मिड पॉइंट ये किसका है, ए बी का है, तो ए बी का मध्य बिंदु का निर्देशांक ये सूत्र लग जाएगा। तो इसमें अपने 2a + 0/2 होगा, तो 2a में 0 ऐड करेंगे तो 2a आएगा, और 2a/2 करेंगे तो ये आ जाएगा a, और 0 + 2b/2 करेंगे तो 2b/2 ही होगा, तो क्या आंसर आ जाएगा उसका b। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए हैं, c। अब इस c से आपको जो डिस्टेंस है वो O की चाहिए, C से डिस्टेंस A की चाहिए, C से डिस्टेंस B की चाहिए, यानी OC दूरी निकालनी है, AC दूरी निकालनी है और BC दूरी निकालनी है। अगर तीनों दूरी बराबर आ जाए, तीनों डिस्टेंस इक्वल आ जाए, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो अपने यहाँ पे पहले तो इस C के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, उससे पहले ये एज्यूम किए ये लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर अपन ने इसके अंदर एक ये O से A तक डिस्टेंस लिए वो लिख देते हैं। तो लेट OA कितना है, 2A लिया है, और OB कितना है, 2B। मानना OA बराबर 2 और OB बराबर 2B, और जो ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन O के हो जाएंगे ये 0 0 है। अब A के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, A के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, A के हो जाएंगे 2a,0। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B, B के क्या हो जाएंगे 0,2b। ये O का हो गया, ये A का हो गया और ये B का हो गया। अतः A का निर्देशांक, O का निर्देशांक, B का निर्देशांक, ये तीनों निर्देशांक लिखने के बाद अब आप लिखोगे कि AB के मध्य बिंदु C के निर्देशांक मिड पॉइंट ऑफ BC, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB का, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, तो C का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लगाओगे, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे C के जो कोऑर्डिनेट निकालोगे तो उसको आप ऐसे डायरेक्ट एक साथ ही दोनों का सम करके लिख दो, इसको आपको एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। बी एक्स वाई लेते हो या EF लेते हो, आप इसको डायरेक्ट कैसे लिखोगे कि 0 में आपने 2a एड किया / 2, ये तो उसका हो गया पहला x कोऑर्डिनेट, फिर आपने 2b में 0 एड किया / में 2, तो x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2, तो इसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई 2a/2 क्या हो जाएगा a, b। ये आ गया आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, ये C पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो ये अप्लाई करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि इसने कहा है कि ये दूरी बराबर होती है, तो आप दूरी सूत्र लगाओगे 9.1 की तरह इक्वेशन बन गया है। A से C की दूरी, B से C की दूरी और C से O की दूरी आपको निकालनी है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ये लिखोगे आप यहाँ पे। अब मैं डायरेक्ट दूरी निकाल रहा हूँ, आप OC दूरी निकालोगे तो अंडरूट में देखो OC में इन दोनों में से अपन 0 0 माइनस कर देते हैं, तो a - 0 का होल स्क्वायर प्लस b - 0 का होल स्क्वायर, तो a - 0 का होल स्क्वायर प्लस b - 0 का होल स्क्वायर, तो ये आ गए a² प्लस b² का अंडरूट। ये दूरी आ गई है OC। अब अपन दूरी निकालते हैं, AC डिस्टेंस निकालते हैं, तो इसमें से ये माइनस करो, जी C में से A वाले करो, तो मैं A में से C वाले कर रहा हूँ, तो 2a में से A सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पहले में से पहला सब्ट्रैक्ट करो और दूसरे कोऑर्डिनेट में से दूसरा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो 0 - b का होल स्क्वायर। 2a में से a सब्ट्रैक्ट होगा तो ये a स्क्वायर आएगा, और ये 0 - b है तो ये -b होगा, -b का स्क्वायर भी क्या पॉजिटिव होता है। अब तीसरी डिस्टेंस कौन सी है bc, तो bc के लिए अपन b और c वाले कोऑर्डिनेट लेंगे, तो मैं b में से c वाले सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो 0 में से a वाला कर दो, 0 - a का स्क्वायर प्लस दूसरे में से दूसरा माइनस दो, 2b - 2b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² और 2b में से b सब्ट्रैक्ट होगा तो ये b का स्क्वायर। तो ये जो तीनों डिस्टेंस है तीनों की तीनों अंडररूट में a² प्लस b² आई है, तो आप यहाँ लिख दोगे OC = BC = अंडररूट में a² प्लस b², तो लास्ट में लाइन लिख दोगे। सो the midpoint of hypotenuse in right angle triangle AOB is situated equal distance from vertices A, O और B। हिंदी मीडियम में लिख दोगे, अतः समकोण त्रिभुज के कर्ण का मध्य बिंदु C तीनों शीर्षों A और C बराबर दूरी पर स्थित है। ये क्वेश्चन आए तो 6 नंबर में पूछ सकता है। अच्छा क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से नेक्स्ट लेनियस का 19 नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। तो इसमें आपको दे रखा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन की आप फाइंड करनी है, माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच वर्टेक्सेस, तो ये तीनों आपको निशान दिए गए हैं जो कि शीर्षों पर वर्टेक्स है। आपको देखो मीडियन की डेफिनेशन क्या होती है ये ध्यान होना चाहिए। मीडियन वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो उसकी मीडियन होती है। तो AD मीडियन है, E मीडियन होगी, D, E और इनके मिड है। तो पॉइंट कोऑर्डिनेट अपने फाइंड आउट करना होगा सबसे पहले, तो उसका लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, इसकी डिस्टेंस निकालनी होगी। इनकी डिस्टेंस AD डिस्टेंस नहीं है, BE निकालनी है और CF डिस्टेंस आपको निकाल करके, तो ये तीनों आपके माध्यिकाओं की लंबाइयाँ हो जाएगी। तो यहाँ पे आप मिड कोऑर्डिनेट डायरेक्ट ही फाइंड आउट कर रहे हैं। तो D का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो दो में -5 होगा, तो -5/2 4 3 हो गया 7, ये हो गया 7/2, तो ये हो गया D का। इसी तरह E काटेंगे तो ये E का मध्य बिंदु है, तो -5 में 1 जोड़ोगे तो -4/- का गया, -1 में 3 जोड़ोगे 3 में घटेगा 2 में 2 का भाग दोगे तो 1 आ गया। अब AB का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है वो AB का है, तो A और B वाले जो कोऑर्डिनेट है आप F का निकालोगे, तो 0 में 1 ऐड करोगे तो ये आ गया 1 1 2, 4 में माइनस ऐड करोगे तो ये आ गया 3/2, तो ये तीनों मध्य बिंदुओं के निर्देशांक आप तीनों लिख देना कि BC का बिंदु D का निर्देशांक, A बिंदु E का निर्देशांक, AB का मध्य बिंदु F का निर्देशांक। तो आपको ये तीनों पहले फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद में आपको लेंथ करनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होगे डिस्प्ले के अकॉर्डिंग लेंथ निकालोगे आप, तो AD के लिए ये और D वाले ये दोनों थोड़ा सा इसमें होगा सब्ट्रैक्शन, तो ये ध्यान तो पहले में से पहला सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1 में से ये -5/2 होगा, तो 1 माइनस तो ये प्लस हो जाएगा नेक्स्ट वाला, ये ऐसे लिखोगे 1 -5/2 लिखते हो आप, तो आगे x2 या y2 नेगेटिव है तो ये माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस हो जाता है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ प्लस, आप लिख सकते हो पेपर के अंदर। तो जब सेकंड वाला जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव हो तो ये दोनों -- मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाते हैं, आगे प्लस। फिर -1 में 7/2 तो माइनस वन और ये 7/2 है तो ये -1/2 हो जाएगा, वो पॉजिटिव है तो ये आ गया रूट में। आप तो इन कैल्सियम नहीं होता है, इससे सीधा आप मल्टीप्लाई करके सकते हो, 2 का 1 से करेंगे तो 2 5 ऐड करेंगे तो ये आ गया 7/2, ये आया पॉजिटिव। 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2, -2 और -7 करेंगे तो -7/2, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव थे। आप चाहो तो इनका एलसीएम लेके कर सकते हो, इसका भी 2 एलसीएम आएगा, इसका भी 2 एलसीएम आएगा। 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, -9 है तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि इवन नंबर में है पावर, तो ये आ गया 81/4। अब इनका जो एलसीएम आएगा वो 4 आएगा, तो ऊपर वाले 49 81 ऐड होंगे तो ये हो गया 130 अपॉन में 30 का स्क्वायर रूट तो पूरा पूरा निकलेगा नहीं, क्योंकि आप इनके जो इसका जो फैक्टर करोगे तो कोई भी है वो पेयर नहीं मिलाएगा दो डिजिट में, तो अपन एज इट इज रखते हैं √30 और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। तो ये आ गया आपके पास AD डिस्टेंस। इसी तरह से आप BE डिस्टेंस निकाल सकते हो, तो BE डिस्टेंस ये B में से E वाले सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 0 में से -2 कर लो, तो 0 में से -2 करें तो ये आगे वाला नेगेटिव है तो ये प्लस का हो गया। 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 4 - 1 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 4 - 1 3 होगा तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये आ गया रूट में 13। ये डिस्टेंस आ गई है। अब CF डिस्टेंस निकालते हैं, तो CF के लिए ये C और ये F, तो इनमें से आप -5 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -5 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट किया का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 3/2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 - 3/2 का होल स्क्वायर। अब आप इनका एलसीएम लेते हो तो 2 एलसीएम आएगा, अदरवाइज डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। 2 का 5 से करेंगे तो 10 और 10 में 1 ऐड होगा क्योंकि माइनस का है तो -11/2। अगर आप एलसीएम लेके करते हो तो भी इतना ही आएगा, प्लस 3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 - 3 होगा, ये तो बचेगा 3/2 का होल स्क्वायर और ये इसका अंडररूट। अब 11 का स्क्वायर 121 होता है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, तो इनका एलसीएम 4 आएगा, तो ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड होंगे तो 121 और 9 ऐड करेंगे तो 130/4 आएगा, और 130 है ये तो रूट में रहेगा एज इट इज, और 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से अपन तीनों जो मीडियन है उसकी लेंथ निकाल लेंगे। तो लास्ट में आप लिख दो लेंथ ऑफ मीडियन अंडरूट में 130/2 अंडरूट में 13 और अंडरूट में 130/2, तो तीनों ये मीडियन की लेंथ। उससे पहले जो थोड़ा सा मैंने आपके लिए जो ये होमवर्क दिया है आपको, तो ये आप पहले इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालोगे, तो मिड पॉइंट D का कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट E का कोऑर्डिनेट और मिड पॉइंट F का कोऑर्डिनेट आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए जैसे, लेकिन पेपर के अंदर ये पहले आप फाइंड आउट करके दिखाओगे D, E और A कोऑर्डिनेट, तब ये 6 नंबर का बनेगा। इन तो इसके मिड पॉइंट के नंबर हो गए और 3 अपने डिस्टेंस के हो जाएंगे, तो इस तरह का इक्वेशन ये 6 नंबर में आ सकता है। तो अब लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 का, तो ये 6 मार्क्स में आ सकता है, 6 नंबर का ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें इसने जो त्रिभुज ABC है, ट्राइंगल ABC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, और आपको वर्टेक्सिस के फाइंड आउट करने हैं। तो तीनों वर्टेक्सिस ABC के कोऑर्डिनेट मैंने x1 y1 x2 y2 और x3 y3 एज्यूम कर लिया है, और इनके मिड पॉइंट है वो D E और F हो गए। ये तो आप D E F का जो सीक्वेंस है वो होता है D यहाँ, E और F ऐसे भी ले सकते हो, या कंटिन्यू AB का मिड पॉइंट D है, BC का मिड पॉइंट E है, AC का मिड पॉइंट F है, ऐसे ले सकते हो। तो इसमें थोड़ी इक्वेशन की जो नंबरिंग है वो ज़्यादा बनेगी, तो इसलिए ये जो सारी इक्वेशन है वो होगी एक जैसी, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन है वो टोटल 8 बनेगी। तो इन इक्वेशन को कैसे बनाएंगे अपन कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट का आपको फॉर्मूला मालूम है, तो AB का मिड पॉइंट स्टार्टिंग वाली इक्वेशन बनेगी कि AB का मिड पॉइंट कौन सा है, D है, तो D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 होगा ये, क्योंकि इसके जो कोऑर्डिनेट है दोनों x1 और x2 है, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 किसके इक्वल होगा, इस 1 के इक्वल होगा, तो ये लिख दिया 1। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये 2 हो गया, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब y वाले ऐड करते हैं तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, दोनों सेकेंड y वाले y1 प्लस y2 अपॉन 2 करेंगे तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 2 है, तो इज इक्वल टू आ गया 2। तो y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। तो ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन D इज मिड पॉइंट ऑफ AB से बनी है। अब इसी तरह BC का जो मध्य बिंदु है वो कौन सा है, E है, तो इसमें x2 प्लस x3 एड होगा, अपॉन में 2 करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, ये 0 के इक्वल आएगा। तो x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो ये 0 आ गया। अब y1 प्लस y3 अपॉन 2 करेंगे, या देखो ये y2 प्लस y3 अपॉन 2 करेंगे तो किसके इक्वल आएगा -1 के, तो y2 प्लस y3 2 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो ये -2। अब इसी तरह AC का जो मिड पॉइंट है वो कौन सा है, F है, तो x1 प्लस x3 अपॉन 2 करेंगे, x1 प्लस x3 अपॉन 2 करेंगे तो वो 2 के इक्वल है। तो x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो ये 4 आ गया, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। इसी तरह y1 और y3, y1 प्लस y3 अपॉन 2 करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा -1 के इक्वल है, तो ये -1 लिख दिया, 2 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो ये -2 हो गया। तो ये टोटल 6 इक्वेशन बनी है। अब यहाँ पे देखो अपने को x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए थोड़ा सब्स्टिट्यूट मेथड अपना को यहाँ पे लगाना पड़ेगा, यानी वैल्यू अपने को या तो यहाँ पे पुट करो या आप इस इक्वेशन को पहले ऐड कर लेते हैं। तो कौन कौन सी इक्वेशन ऐड करें, इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ये तीनों इक्वेशन x में है। तो x में है तो x1 प्लस x2 है, ये जो है x2 प्लस x3 है, और फिफ्थ है वो x1 प्लस x3। अगर इन तीनों को सम करते हैं तो x1 भी डबल है, x2 भी डबल है और x3 भी डबल है। तो यहाँ पे तीनों को ऐड करने पे मैंने वो 2 कॉमन ले लिया तो x1 प्लस x2 प्लस x3 हो गया। अब तीनों के जो राइट साइड में है वो कौन से है 2, और 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 और ये 4 कितना हो जाएगा 6 हो गया। तो ये अपने पास राइट साइड का सम आ गया 6। अब 2 जो मल्टीप्लाई में है वो इधर 6 के डिवाइड में आएगा तो ये आ गया 3। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 का सम हो गया अपने पास 3, ये इक्वेशन नंबर होगी 7। अब इसी तरह से y वाली इक्वेशन ऐड करेंगे तो वो इक्वेशन का नंबर कौन सा है 2, 4 और 6, इवन नंबर में है तो एडिंग इक्वेशन 2, 4, 6, इन तीनों को ऐड करेंगे तो तीनों में ही y1 y2 और y3 डबल है तो वो 2 कॉमन आ गया। राइट साइड वाले जो हैं तो यहाँ पे ये 4 है, यहाँ -2 है तो ये 2 बच गया, और फिर -2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 हो गया, 2 का डिवाइड 0 में करेंगे तो ये आ गया 0। अब 7 और 8 इक्वेशन बनने के बाद अब 7 और 8 में से आपको कौन सी सब्ट्रैक्ट करनी है, कि 7 इक्वेशन है वो x वाले से बनी है तो इसमें से जो x वाली इक्वेशन है 1, 3 और 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, और क्वेश्चन नंबर 8 है वो 2, 4, 6 से बनी है तो इक्वेशन 8 में से आप 2, 4 और 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 7 में से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 में कौन है x1 x2 x3 है, और 1 में कौन है x1 और x2, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, कैंसिल हो गए, 1 और 2 कैंसिल होंगे तो x3 बचेगा। और इधर राइट साइड में 3 है, 3 में से 2 माइनस होगा तो 3 - 2 कितना आ गया 1। अब इक्वेशन नंबर 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, 2, 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे x2 और x3 है तो x2 और x3 कैंसिल होगा तो बचेगा x1, और राइट साइड में 3 है इसमें, और इसमें कितना है 0, तो 3 - 0 कितना हो गया 3 हो गया। अब इक्वेशन 7 में से कौन सी माइनस करेंगे, फिफ्थ करेंगे, तो फिफ्थ में x1 और x3 कैंसिल हो जाएंगे तो रिमेनिंग पार्ट x2 बचेगा, और यहाँ x1, 2 और 3 का जो सम है वो कितना है 3 माइनस ये कितना है 4, तो 3 - 4 करेंगे तो -1। अब x1 x2 x3 की वैल्यू आई है, उसी तरह से अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 8 में से, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, तो 2 में 1 और 2 कैंसिल होगा तो 1 और 2 कैंसिल होने पर कौन सा बचेगा y3, और राइट साइड में कौन है यहाँ पे अपने पास 0 है तो 0 में से सब्ट्रैक्ट कौन होगा 4, तो 0 - 4 करेंगे तो -4। अब इक्वेशन 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो y1 बचेगा, और 0 में से ये -2 सब्ट्रैक्ट होगा तो -, -+2 हो गया, और इक्वेशन 8 में से ये 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y1 और y3 कैंसिल होगा, 1 और 3 कैंसिल होने से y2 बचेगा और 0 में से अगेन -2 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये -2 बचेगा। तो y1 y2 y3 की आपके पास वैल्यू आ गई है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी सी, तो A का कोऑर्डिनेट x1 y1 था तो x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू अपन ने यहाँ पे निकाली है ये 3 और y1 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 3 2। दूसरा y x2 y2 था तो x2 की वैल्यू कितनी है -1 और y2 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ गया -1 और 2। और लास्ट कोऑर्डिनेट x3 y3 था तो x3 की वैल्यू कितनी है 1 और y3 की वैल्यू कितनी है -4, तो ये 1 -4 आया। आंसर के अंदर सिक्वेंसिंग का चेंज हो सकता है, ये पहले हो सकता है, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, क्योंकि ये जो डी ई एफ है ये सिक्वेंस आप कैसे भी रख सकते हो, डी यहाँ ई यहाँ और एफ यहाँ पे रख सकते हो, तो इन तीनों का सिक्वेंस चेंज हो सकता है लेकिन कोऑर्डिनेट ये सेम आएंगे तीनों के तीनों। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9 का जो लास्ट क्वेश्चन था ये अच्छा क्वेश्चन है, तीनों लास्ट वाले 18 19 और ये 21 है ये। और आगे जब एक्सरसाइज करेंगे अब अपन रिविजन के अंदर एक्सरसाइज नंबर 8, तो 8 एक्सरसाइज है वो मैं हिंदी मीडियम में करवाऊंगा और इंग्लिश के अंदर उसको मैं ट्रांसलेट कर दूंगा बीच में। तो हिंदी मीडियम के अंदर उनमें जो रिक्वेस्ट आई थी कि सर हिंदी मीडियम के अंदर वो कुछ एक्सरसाइज 8 आप करवाओ, तो एक्सरसाइज 8 अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।